जी हाँ, दुनिया भर का लोकप्रिय बना ये खेल ये है आईपीएल। जी हाँ, भारत में होने जा रहा है आईपीएल 26 मार्च से। और आपको दे देगी इस आईपीएल ने किस तरीके से बीसीसीआई को बनाया है, अरबों रुपयों का फायदा दिया है इस आईपीएल ने। तो आइए जानते हैं इस खबर के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आईपीएल के 15वें सीजन के लिए 10 टीमें इस लीग में हिस्सा लेंगी। इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की दो नई टीमें पहली बार इस टाटा आईपीएल में खेलेंगी। इसको लेकर बीसीसीआई सचिव अजय झा ने कहा है कि मीडिया राइट्स के अधिकार से मिले रुपये आईपीएल के विकास पर जरूर असर डालेंगे। इसको आगे भी कहा है कि सभी की उम्मीदों से बढ़कर लोगों का मनोरंजन किया है, सभी की अपेक्षाओं को भी इसने पार कर दिया, इसलिए जो भी रकम मिलेगी वह इस लीग के विकास पर जरूर असर डालेगी। बीसीसीआई आने वाले हफ्ते में 5 सालों के लिए 2023 से लेकर 2027 तक की मीडिया राइट्स बेचने जा रहा है। बीसीसीआई से मीडिया राइट से करीब 500 अरब रुपए से ज़्यादा की आश है। शाह ने आगे कहा कि बोर्ड ने कई तरह के प्रस्तावों को देखा है और अलग अलग टीवी राइट्स और डिजिटल राइट्स पर विचार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सभी बड़ी कंपनियां आईपीएल दिखाने को लेकर इच्छुक हैं, इसके लिए वो बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। शाह ने आगे कहा कि आईपीएल में दो नई टीमें आने जानी है और इसमें उनका फ़ायदा अच्छा पहुँचा। पहली बार आईपीएल में लखनऊ और गुजरात टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। आईपीएल के पिछले सीजन ने भी सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया। इस बार का आईपीएल बेहतरीन है, इससे दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग तक पहुंचा दिया है।